नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका YouTube पर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिक्वेंशियल क्राइटेरिया डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, या किस पॉइंट पे कर रहा है, लेकिन सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज़ करके लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं अन एकेडमी पे भी लाइव पढ़ाता हूँ, और अन एकेडमी जो फ्री लर्निंग ऐप है उस पर भी मेरे 260 प्लस लेसन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आप अन एकेडमी या फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और पंकज कुमार मेरा नाम है, आप हमें CSIR UGC नेट कैटेगरी में फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और फ्री लाइव सेशंस भी हम देते हैं। फ्री लाइव सेशंस कहने का मतलब है कि उस सेशन में आप हमसे वन टू वन इंटरेक्ट हो सकते हैं, ऑन द स्पॉट डाउट्स पूछ सकते हैं अन एकेडमी पे। और इसके अलावा जो लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो हम लोग अन एकेडमी प्लस पे अपने साथी के एडुकेटर्स के साथ, जो अन एकेडमी के टॉप एडुकेटर्स हैं, उनके साथ हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं। उनके जो है अन एकेडमी प्लस के लिए जो है वो सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेज नहीं हैं। और अगर आप अन एकेडमी प्लस के लिए जाना चाहें तो मैथसर कोड, इस कोड का यूज़ आप कर सकते हैं, MATHSIR, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन चार्ज जब आप जाएंगे तो वो पूरा लिस्ट मिल जाएगा, 700-800 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो होता है। तो जो भी हो आप वो ले सकते हैं। और जो फ्री लर्निंग ऐप है उस पे और फ्री लाइव सेशंस उसको ज़रूर अटेंड कीजिए, ठीक है। तो वो और ये अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करेंगे। क्या है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x^5 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमें शो करना है। क्या शो करना है? टू शो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x^5 डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे शो करेंगे? शो करने का तरीका क्या था? तरीका ये था कि आपको इसका डोमेन अगर कुछ नहीं गिवन है तो सेट ऑफ रियल्स से हम कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे ले लेंगे। an मान लीजिए एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं डोमेन के अंदर से, किसके डोमेन के, इस फंक्शन के डोमेन के अंदर से, और इस तरीके से लेना होगा an, जिससे कि वो जीरो पे कन्वर्ज हो जाए। तो हम लोग जो an यहाँ पे ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं 1/2n pi का पावर 1/5, ठीक है। ये सीक्वेंस हम ले रहे हैं, ऑल राइट। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस देखिए ये जीरो पे चला जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। डेफिनेटली ये जीरो पे चला जाएगा क्योंकि n यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, तो जीरो पे चला जाएगा। 1/5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x^5 गिवन है, तो इससे इसको यूटिलाइज करना है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे कि दूसरा एक सीक्वेंस ले लेंगे bn, ये भी ऐसा सीक्वेंस लेना पड़ेगा जो कि जीरो पे जाए क्योंकि x टेंड्स टू जीरो है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उसको पहले। 2n π + π/2 ले लेते हैं और इसका पावर ले लेते हैं 1/5, और ये भी निश्चित तौर पे जीरो पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे में यहाँ पे डिनोमिनेटर है, n अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये जीरो पे चला जाएगा, ऑल राइट। तो क्या होता था कि सीक्वेंस ए एन डोमेन के अंदर से लिए वो जीरो पे चला गया, सीक्वेंस बी एन जो है वो जीरो पे चला गया। अब हम लोग इस सीक्वेंस का एफ इमेज लेंगे, तो इस सीक्वेंस का जो एफ इमेज लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ, और यहाँ पे ए एन है तो ए एन आपका ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1/an^5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यही फंक्शन है ना, साइन 1/x^5,
ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ ऑफ ए एन करेंगे तो एक्स के जगह पे ये रखेंगे तो ये हो जाएगा ए एन का पावर 5। ऑल राइट, तो यहाँ से एफ ऑफ 1 बाई ए एन का पावर 5 है, तो ये अब इस फंक्शन में रखेंगे ए एन के पावर 5 को, तो ए एन क्या है हमारा 1/2n π का पावर 1/5, तो ये हो जाएगा साइन 1 बाय, ठीक है, अब x के जगह पे 1/an का पावर 5, तो 1 बाय, और ए एन क्या है तो 2n π का पावर 1/5, 2n π का पावर 1/5, ये ए एन हो गया, ठीक है, ए एन हमने ये रख दिया, अब इस पूरे का पावर 5 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 5 से 5 कैंसिल, अब 1/1/2n π, तो ये हो जाएगा साइन 2n π, और आप सबको मालूम है कि साइन 2n π क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से f ऑफ ए एन कहाँ पे चला गया, 0 पे चला गया, तो therefore f ऑफ ए एन जो है वो एक कांस्टेंट 0 फंक्शन मिल गया, तो ये 0 पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कि अगर हम बात करें कि लिमिट f ऑफ ए एन का अगर हम बात करें तो ये इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, f ऑफ ए एन टेंस टू 0 कहने का मतलब क्या है, लिमिट f ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग बात करेंगे f ऑफ बी एन का, f ऑफ बी एन की जब बात होगी तो ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन 2n π + π/2, क्यों हो जाएगा ऐसा, वही चीज़ जहाँ पे यहाँ पे ए एन है तो ए एन के जगह पे बी एन लिख दीजिए, और बी एन क्या है आपका 1/2n π + π/2, तो यहाँ पे जो 2n π है तो बी एन जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n π + π/2, तो उसके और उसके बाद फिर ये जैसे साइन 2n π आया था तो यहाँ पे साइन 2n π + π/2 आ जाएगा, तो ये साइन π/2 होता है, और साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी एन का जो लिमिट है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ बी एन ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ बी एन बराबर 1 हो जाएगा, और लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए एन बराबर 0 है, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए एन और लिमिट ऑफ एफ ऑफ बी एन दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो यही चीज़ तो हम बताए थे नॉन एग्जिस्टेंस के लिए, दो केस बताए थे, तो उसमें से एक केस इधर पहले दिख रहा है कि नहीं, हम दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, यही तो केस था कि ए एन और बी एन दो सिक्वेंसेस लीजिए जो कि 0 को अप्रोच करे, मतलब यहाँ पे x टेंस टू 0 है तो 0 को अप्रोच करे, x टेंस टू a है तो a को अप्रोच करना चाहिए, और तब अगर ये दोनों सिक्वेंस 0 पे, मतलब इस a पे कन्वर्ज करना चाहिए, a यहाँ पे 0 है, तो f ऑफ ए एन और f ऑफ बी एन जो है वो अगर आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x का पावर 5 डी एन ई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल राइट, तो अब पहले इसको लिख लीजिए, हमने शो कर दिया इसको सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे, ठीक, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच द लिमिट एग्जिस्ट फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एफ एक्स क्या है 1 - x इफ एक्स बिलोंग्स टू रेशनल्स एंड 1 + x व्हेन x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल्स मीन्स इरेशनल, ठीक है, तो एफ एक्स आपका इस तरीके से डिफाइंड है, तो सबसे पहले डोमेन, मतलब यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें तो सेट ऑफ रियल्स यहाँ पे डोमेन है सेकेंड क्वेश्चन के लिए, तो ए एन जो है हम लोग डोमेन से एक सिक्वेंस लेंगे, ठीक है, और हमें ये पॉइंट निकालना है जिसपे कि लिमिट एग्जिस्ट करे, तो हमें मालूम है कि अगर दो सीक्वेंस लेंगे, मान लेते हैं कि लेट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट्स इफ़ पॉसिबल, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट नहीं करे, लेकिन अगर संभव है तो मान लेते हैं कि ये चीज़ है कि x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट्स, तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो डोमेन के अंदर से a n ले लेंगे, तो a n कन्वर्ज करेगा a पे, और a n कभी भी अगर होगा तो यहाँ पे जो ए एन ले रहे हैं रेशनल से ले रहे हैं, और ए एन 1 के बराबर भी नहीं है,
उसके बाद एक दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं बी एन, ठीक है, बी एन बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, बी एन इरेशनल्स ले रहे हैं और बी एन भी ए के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए रेशनल्स के लिए और इरेशनल्स के लिए दो ब्रांचेज है, तो एक सीक्वेंस हम लोग ले लिए जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहा है रेशनल्स के थ्रू, और दूसरा जो आपका सीक्वेंस है वो भी ए पे कन्वर्ज कर रहा है लेकिन इरेशनल्स के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एफ ऑफ ए एन का, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन और बी एन, अगर ये ए पे कन्वर्ज हो रहा है तो एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन जो है आपस में बराबर होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग नाउ एफ ऑफ ए एन निकालते हैं। एफ ऑफ ए एन निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो एफ ऑफ ए एन निकालेंगे तो यहाँ पे ए एन वाले केस में हम लोग रेशनल से लिए हैं, तो फंक्शन का वो ब्रांच चूज करना पड़ेगा जो रेशनल्स पे डिफाइंड है, तो 1 माइनस एक्स लेना पड़ेगा। तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है तो एफ ऑफ ए एन हो जाएगा 1 माइनस ए एन, एफ ऑफ ए एन क्या हो जाएगा 1 माइनस ए एन। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस ए एन है ये ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो 1 माइनस ए एन किस पे कन्वर्ज करेगा, 1 माइनस ए पे कन्वर्ज करेगा, 1 माइनस ए एन 1 माइनस ए पे कन्वर्ज करेगा। और यहाँ पे जैसे बी एन है तो बी एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है लेकिन बी एन जो है वो क्या है इरेशनल्स है, तो जब यहाँ पे फंक्शन इरेशनल है तो 1 प्लस एक्स है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल्स, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ बी एन है ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस बी एन, ठीक है। क्यों इस बार प्लस वाला लिए, क्योंकि इरेशनल्स के लिए ये है, यहाँ पे बी एन भी इरेशनल से जा रहा है तो इरेशनल वाला ब्रांच यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद बी एन भी तो ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये कन्वर्ज कर जाएगा 1 प्लस ए पे, ठीक है। एफ ऑफ ए एन कहाँ पे कन्वर्ज किया 1 माइनस ए पे, इसका मतलब हुआ कि लिमिट एफ ऑफ ए एन क्या है आपका 1 माइनस ए है और लिमिट एफ ऑफ बी एन क्या है आपका 1 प्लस ए है। और लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लिमिट एग्जिस्ट्स इफ लिमिट एफ ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट एफ ऑफ बी एन, एंड व्हाट डज दिस मीन्स, लिमिट एफ ऑफ ए एन इज व्हाट 1 माइनस ए एंड लिमिट एफ ऑफ बी एन इज व्हाट 1 प्लस ए, सो दिस इज व्हाट a माइनस ए 2a इज इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स a इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब a बराबर 0 होगा तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि वह पॉइंट निकालिए जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हेंस लिमिट एग्जिस्ट एट a इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द लिमिट एग्जिस्ट, दैट इज अगर हम बात करेंगे तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि एग्जिस्ट तो कर गया, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए बराबर 0 पे ये दोनों सीक्वेंस कहाँ पे, अगर ए बराबर 0 होगा तो एफ ऑफ ए एन भी ए पे कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ बी एन भी ए पे कन्वर्ज करे 1 पे कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो लिमिट होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये हो जाएगा 1, मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया 0 पे और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स थे, बहुत साधारण से प्रॉब्लम्स, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर में अभी इसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट और उस रिजल्ट पे प्रॉब्लम्स, ओबियसली सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से ही है लेकिन वो रिजल्ट डायरेक्ट नेट में पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है, तो हम उस रिजल्ट को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि जाते जाते अनएकेडमी फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 260 प्लस लेसन्स है उसको देखिए, फ्री लाइव सेशंस लीजिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जो रेफरल कोड है MATHSIR मैथ सर, जो कि इस चैनल का पहला पार्ट है, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए या किसी तरह का हेल्प चाहिए तो 8076603648,
ये है नंबर 8076603648, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।